हे गाइस, कैसे हो आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फिट होम मेकर। चेहरे में तो मैं हूँ शुभश्री, और बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है। और मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि रात बहुत हो चुका है, तो इसीलिए सब कोई सो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक लग रहा है तो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब था और मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी तक भी तबीयत ख़राब है मेरा। तबीयत ख़राब इन द सेंस मुझे पूरा टेस्टलेस, मतलब मेरे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। कुछ भी चीज़ मैं खाने का पसंद नहीं करती हूँ, और बनाना तो बहुत दूर की बात, किचन में बहुत कम जाती हूँ। और कोई अगर खाना बनाने के लिए बोल दे, क्योंकि घर पर हूँ, हस्बैंड है, बच्चा है, तो उसके लिए तो खाना बनाना पड़ता है, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है मैं खाना बनाऊं। अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं खा पा रही हूँ, तो वो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा तबीयत मेरा जो है वो ठीक है तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियोस भी नहीं डाले। और बिल्कुल किसी से, मतलब अपने वीडियोस के लिए शूटिंग करना या किसी से फ़ोन पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने पूरा रेस्ट कर रही थी। और मेरी तबीयत से ज़्यादा बाबू का जो तबीयत है वो बहुत ख़राब था। बच्चों का जब तबीयत ख़राब होता है दिमाग तो वैसे ही ख़राब रहता है, और उसके वजह से मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और धीरे धीरे मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी ठीक नहीं होंगे तो हस्बैंड तो ऑफिस चले जाएंगे, तो कैसे करके मैं अपने बच्चों को मैनेज करूँगी, घर को भी मैनेज करना है। तो उसी वजह से, मेडिसिन के वजह से पेट भी गर्म होता है और मुँह का टेस्ट पूरा चला जाता है, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। अभी खाना पीना थोड़ा सा मैं कर रही हूँ, चावल वगैरह जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं वो सब मैं खा रही हूँ, और बाबू अभी सो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बहुत भी अच्छा लगेगा, मन को थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कि मैं अपने बैक टू माई रूटीन तो आ गई, तो अच्छा लगता है। नहीं तो पड़ी रहती थी और थोड़ा सा काम करती थी और बस इसी सोफे के ऊपर मैं पड़ी रहती थी, नहीं तो घर जाके सो जाती थी। बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस जमानों के घर पूरा सोना सोना था और मुझे कुछ काम नहीं था, बस सोई पड़ी रहती थी। और खाने पीने के बारे में तो पूछो ही मत, खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो इस वजह से तबीयत भी बहुत ख़राब होता है, क्योंकि अगर कोई घर वाला ही होते यहाँ पर तो मुझे खिलाते, वो बना के देखते तो मुझे पसंद होता तो मैं खाती, नहीं तो नहीं। खुद बना के खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी। उस वजह से भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती। तो चलिए, मैंने आज सुबह सुबह क्या बनाई, सुबह तो मैंने ब्रेड वगैरह, वो मुझे अच्छा थोड़ा सा लगा, वो मैंने खा लिया। तो नॉर्मल सी मैंने एक करी बनाई थी लंच में, और चावल बस, थोड़ा सा मेरे पास खीरा था, खीरा के ऊपर मैंने नमक और थोड़ा सा जो जीरा पाउडर है वो डाल दिया था। अच्छा लगा मुझे खाने में, जीरा और रेड चिल्ली का जो भुना हुआ जीरा और रेड चिल्ली का जो पाउडर होता है वो मैंने डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। चलो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा गया। तो मैं आ चुकी हूँ बैक टू माय रूटीन, सो इसलिए मुझे आप लोगों के साथ आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि मैं आ चुकी हूँ। अभी वीडियोस में सोच रही हूँ कि रेगुलर जाएगा, अभी पता नहीं, तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो जब तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है तो मन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी कोशिश करूँगी कि मैं अपना जो वीडियोज़ है आप लोगों के पास रेगुलरली पहुँचाऊँ। तो चलिए मैं रखती हूँ, अभी बस यही कहना था कि मैं आ चुकी हूँ और तबीयत मेरा बहुत ख़राब था इसलिए मैं अपना वीडियो जो है बना नहीं पा रही थी। तो चलिए अभी रखती हूँ, जाके सो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ कल सुबह सुबह, और बनाने की बहुत कोशिश करूँगी, वीडियोस पूरा डालने की बहुत कोशिश करूँगी। तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।